सर, आज से 4 साल पहले आपने सिटी में न्यूज पर एक बयान दिया था जब आप मेयर बनने की दौड़ में शामिल थे कि मैं अपना मेयर बनना तब तक सफल नहीं मानूंगा जब तक चंडीगढ़ के लोग हिसार को देख के ये ना कहते कि हमारा शहर ऐसा होना चाहिए। चंडीगढ़ वाला बयान तो नहीं दिया तो मेरे पास मैं अब आप कह रहे हैं तो मैं एक बार देख लूंगा। क्या नगर निगम या उससे जुड़ी हुई टीमें सक्षम नहीं थी डंडूर घोषालों को संभालने? मीलगेट की सड़क की अगर बात करें, जैसे मंत्री जी से परसों बात हुई, उन्होंने कहा थी मुख्यमंत्री ने 19 करोड़ दिए, 19 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए हम मीलगेट की सड़क पे लगाने की बात करें, आपको क्या लगता है कब तक शुरू होगा वहाँ का? देखिए रमेश जी, मैं पहले भी आपको कहा है ये कार्य तो चलते आए हैं, चलते भी रहेंगे। जहाज पुल से लेकर और जलेबी चौक और आगे लाहौरिया चौक तक हमारा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, और मिलगेट से लेकर कैंची चौक और आगे जो है दोहरीकरण का जो सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है, और आगे जो B&R ने अभी आपको मंत्री जी ने भी बताया, तो ये कार्य भी जो आगे लाहौरिया चौक से लेकर और मिलगेट तक का जो टुकड़ा है ये भी जल्द जो है बनवा दिया जाएगा। जैसे ग्रीन बेल्ट बने थे उस टाइम में बहुत सारे टाइल लगे थे, अभी उन टाइल को उखाड़ के वहाँ पौधे लगाए, देखिए स्थानीय टाइल कहाँ गए, मतलब किस जगह गए? स्थानीय संस्थाओं ने जो ये कार्य किया, जो वहाँ पौधारोपण का उन्होंने किया, इसका B&R द्वारा रिपेयर का टेंडर लगा चुके हैं, और जहाँ जहाँ भी ये टाइलें टूटी हुई हैं ये जल्द जो है ठीक करा दी जाएगी। नहीं, जो बीच में हमें समझ गया, आप लाहौरिया चौक से लेकर मिलगेट बात कर, पूरे इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि जो टाइल लगे थे उसको उखाड़ तो दिया, नहीं जब भी बता रहा हूँ लोगों ने लगा, लेकिन वो टाइल गए कहाँ, फिर वो कहीं यूज किया है या मतलब नहीं, टाइल तो देखो कहीं टूट भी गई होंगी, दोबारा रीयूज में आती नहीं है क्योंकि उसमें सीमेंट लगी होती है, तो रीयूज में आना बड़ा मुश्किल काम है इसका, और इसका जो दोबारा से एक टेंडर लगाया गया है ताकि इसको जो है जो एक बरवाड़ा चुंगी से लेकर भी काफ़ी टाइलें टूटी हुई हैं और जो है मिलगेट रोड पे भी टूटी हुई हैं, तो उस पर जो है हम जल्द ये कार्य करवाने जा रहे हैं, और आगे आप देखेंगे ये कार्य B&R खुद कर रहा है। जैसे राजगढ़ रोड पर आप देखेंगे जो B&R ने किया है उस पर एक भी ऐसी शिकायत नहीं आ रही, लेकिन जो संस्थाओं ने किया उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो वो जो है हम ठीक कराने का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ तो पार्षद भी हैं, अधिकारी भी हैं, और हमारी तो आपको एक अचीवमेंट बताना और भैया, मीटिंग भी हम लाइव करते हैं ताकि शहरवासी देख भी लें, ऐसी कोई मेरे पास तो शिकायत आई नहीं। नहीं देखो शहर की डिमांड है जो ये बैठे सारे पार्षद, ये एक बेनीवाल जी, ये एक प्रक्रिया है, हर वार्ड के पार्षद को अपनी मांग रखने का अधिकार है, वो अपने सारे पार्षद साथी रखते भी हैं, और आज हमारे सारे साथी मौजूद हैं, और यहाँ जो है पूरा समान और विकास कार्य जो पूरे वार्डों में समान रूप से कराए जाते हैं, और हमारे अधिकारी भी जो मैं बता रहा हूँ आपको बड़े अच्छे से शहर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। देखिए जो नहीं आया उनसे जो एक दो ही डिपार्टमेंट नहीं आए थे, पिछली बार आप देखोगे ADC साहब भी मीटिंग में थे, DSP साहब भी मीटिंग में थे, और रोडवेज के हमारे GM भी मीटिंग में थे, HSP के VP के हमारे EO जो हैं वो भी हमारे मीटिंग में थे, ऐसा कोई बड़ा अधिकारी नहीं था जो मीटिंग में ना हो। सर आज और तमाम जो है पार्षदों को यहाँ पर आना था, 4 साल पूरे हो गए, लेकिन पार्षद जो है केवल कुछ ही पार्षद नजर आ रहे हैं, बाकी पार्षद क्यों नहीं आए, और सीनियर डिप्टी मेयर यहाँ पर मौजूद रहे हैं, डिप्टी मेयर जो है वो भी नजर नहीं आया, ऐसा ये तो डिप्टी मेयर साहब से पूछो आप, कहाँ ही काम करने कोई बाहर गए हैं वो, हाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। क्या कोई नाराज नहीं है, किस वजह से नजर नहीं? मुझे मेरे पास तो किसी की नाराजगी नहीं, वो साथी भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, और एक अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई है, पहले से प्लान नहीं थी, आप देखेंगे आपको भी सूचना 12 बजे के बाद ही मिली होगी, और कहाँ पर देखिए याशी कंपनी का हमारे हाउस ने प्रस्ताव पास किया था कि इस कंपनी का जो है सर्वे जो है पूरी तरह से हमारे हाउस को संतुष्टि नहीं थी, और हमने प्रस्ताव पास करके प्रदेश सरकार को भेजा था कि भी इसका जो है अभी सर्वे लागू ना किया जाए, और इसको जो है दोबारा इस पर संज्ञान लिया जाए, प्रत्येक घर में दोबारा ये जाएँ
और दोबारा से सर्वे इसका हो, और उसी पर हमारा जो हाउस जो है वो अड़ी गए, लेकिन ये लागू कर दिया गया। इसमें जो कमियां थी, बल्कि हमारा तो सारा निगम का प्रशासन भी ये ठीक करने में लगा हुआ है, और जो कि ये कंपनी से कराना चाहिए था, इस पर हम सभी सहमत हैं कि इस कंपनी ने जो है काम ठीक नहीं किया। सर, आज से 4 साल पहले आपने सिटी वी न्यूज़ पर एक बयान दिया था जब आप मेयर बनने की दौड़ में शामिल थे कि मैं अपना मेयर बनना तब तक सफल नहीं मानूंगा जब तक चंडीगढ़ के लोग हिसाब को देख के ये ना कहते कि हमारा शहर ऐसा होना चाहिए। चंडीगढ़ वाला बयान मैंने तो आज तक दिया नहीं, चंडीगढ़ वाला बयान तो नहीं दिया, मेरे शब्द ये थे। मैं शब्द बता देता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो है चंडीगढ़ तो प्लैंड सिटी है, लेकिन हम अपना शहर हिसार को हिसार स्वच्छ रूप से बना सके, इसके लिए मैं आपको जरूर कई बार बयान दिया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं एक बार देख लूँगा कि मैंने तो कभी ऐसा बयान, मुझे याद नहीं आता मैं ऐसा कभी बयान भी दूँ। और हिसार को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम सब संकल्परत हैं और वो कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि हिसार जो है पशु मुक्त होगा, लेकिन आज भी इतने प्रयास होने के बाद गो अभ्यारण भी आ चुका है, लेकिन अभी तक भी जो है पशु मुक्त आवारा वे सारा पशु मुक्त जो है वो अभी तक शहर नहीं हुआ, क्या कारण है और इसको कब तक दूर किया जाएगा? संदीप जी, मैंने आपको पहले इसमें भी विस्तार से बता चुका हूँ कि पशु मुक्त शहर के लिए हमारा जो प्रयास है पूरे हरियाणा में, एक प्रयास जो है हिसार के अंदर मैं मानता हूँ सफलतापूर्वक जो किया जा रहा है, सारा कुछ ही नगर निगम इसमें कर रहा है जी, गाड़ियाँ भी अपने लिए हैं, गौशाला भी अपनी है, और शहरवासियों का सहयोग भी हमें मिल रहा है और ये निरंतर जारी है। और आप तो जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में खड़े होकर मैंने खुद वहाँ के जो है पशु जो है पकड़वाए भी हैं, और आपने भी सहयोग बहुत किया, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पड़ाव क्षेत्र से हैं और वहाँ पर जो अवैध रूप से बाड़े भी हमने चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करवाने का काम भी अभी आप देखेंगे, 3 के खिलाफ हमने, एक ऋषि नगर में और एक पड़ाव क्षेत्र में और एक वार्ड नंबर 7 मिलगेट क्षेत्र में हमने जो है मुकदमा दर्ज कराने का काम, जो पशु क्रूरता का एक्ट जो लगवाने का काम भी हमने किया है, और उसके लिए पुलिस प्रशासन का मैं भी मैं सहयोग का धन्यवाद करता हूँ जो उसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। और ये समस्याएं जो है ना, ये पशुओं की, और ये जो आज से नहीं है, पूरे कई वर्षों से है। मैं भी इसी शहर में पला हूँ, पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और ये इस काम के लिए पहले पार्षद भी रहा हूँ मैं। जितना काम मैं कह सकता हूँ इस 4 साल में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ कि 4 साल में। मैं खाली बात नहीं कर रहा, आप जाकर डंडूर गौशाला में जा भी देख भी सकते हैं कि कैसे वहाँ पर काम हुआ है और कैसे वहाँ पर गौओं की सेवा की जा रही है, नंदियों की सेवा की जा रही है, और इसके लिए पूरा शहरवासियों का सहयोग भी मिल भी रहा है। मैं आपके माध्यम से आगे भी यही उम्मीद रखूँगा कि ऐसे और बढ़ चढ़ कर सहयोग वहाँ मिलेगा। पूरे शहरवासी जन्मदिवस भी अपने वहाँ मनाएं, और कोई पुण्यतिथि पर भी आप जो है चारे का दान कर सकते हैं। तो ऐसा सहयोग हमें जो है शहरवासियों का मिलेगा तो ये शहर जो है पशु मुक्त जरूर होगा। और हरा चारा भी मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि सड़कों पर न डालें, आप जो सेवा करनी है ढंडूर में जाकर कर सकते हैं। सर, ऐसा सुनने में मिला है कि ढंडूर गौशाला जो है किसी संस्था जो है उसकी मैनेजमेंट देख रही है, किसी संस्था ने उसे गोद लिया है, तो क्या नगर निगम या उससे जुड़ी हुई टीमें सक्षम नहीं थी ढंडूर गौशाला को संभालने की? देखिए, आप खुद समझदार हैं कि कितने हमारे शहर में पशु हैं, और उसके लिए एक हमने व्यवस्था रहने की कर दी, डेली खाने के लिए, देखभाल के लिए भी साधन चाहिए थे। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमें ऐसी संस्था मिली, और ऐसा काम हिसार के अंदर ही हो रहा है, पूरे देश में एक उदाहरण बनेगा हिसार कि नगर निगम भी उसमें 20 रुपये प्रति पशु के हिसाब से दे रहा है, और संस्थाएँ भी वहाँ अच्छे से सेवा कर रही हैं। शहर को जोड़ने का जो काम जो है नगर निगम ने किया है, और आप लोगों का तो प्रचार पॉजिटिव होना चाहिए इस विषय पर, ताकि जो है हम इस समस्या पर पूरी, आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। आपने अभी बताया कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और काबिले तारीफ प्रयास है, हम बहुत बार दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लगातार सड़कों पे आप खड़े रहते हैं, लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अंतिम परिणाम बिना पशु मुक्त आवारा पशु मुक्त हिसार के हम देख सकते हैं आपके कार्यकाल? देखिए, कभी भी प्रयास जो है हमेशा सफल होते हैं, और मैं मानता हूँ जितना प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, हमारा जो अभियान है निरंतर जारी रहेगा जब तक पशु मुक्त शहर नहीं हो जाता। और इसके लिए जो है हम सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं,
मुकदमे भी दर्ज करा रहे हैं और ऐसे हमारे शहर में जो असामाजिक तत्व हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, इसके लिए हम संकल्परत हैं और पशुओं के साथ क्रूरता न हो इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और गौशाला हमारी खाली डंडूर में नहीं, और गौशालाएँ भी इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं। तो मैं मानता हूँ कि शहरवासियों के सहयोग से, आपके सहयोग से और नगर निगम के प्रयास से हम जो है इस पर काबू जरूर पाएंगे। और प्रदेश सरकार का इसमें ज़रूर मैं धन्यवाद करूँगा कि इतना पैसा जो है इस कार्य पर जो है लगा रहे। देखिए मैं जी, एलिवेटेड रोड के लिए स्थानीय सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट जिसे हम बैठे हैं, तो जो हमारा कार्य था वो हम पूरा कर चुके और जो राज्य सरकार का कार्य है वो जारी है और उसका प्रयास आप देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब के आपने बयान भी कई बार देख आप लोग ही ले चुके हो कि भाई एलिवेटेड पुल का जो है कार्य कहाँ तक पहुँचा है, तो आपके सामने है सब कुछ। और ये कोई छोटा कार्य नहीं है, लगभग 600 करोड़ से ऊपर का जो ये कार्य है शहर की जो है, इसमें शहर का एक तरह से कायाकल्प जो होने जा रहा है उस पर थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये काम होगा ज़रूर, ये मैं आपको अवश्य जानकारी। कोई भी बड़ा कार्य है उसको एक हमने 30 साल की आगे जो कल्पना की है और उस पर जो एडवांस जो हम काम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं हमारी जो राज्य सरकार का भी धन्यवाद करता हूं जो इस पर संज्ञान ले रही। सर एक सवाल है कि शहीदों को समर्पित एक शहीद स्मारक बनाने की बात कही थी हाउस की मीटिंग में, इसे पास भी किया गया, तमाम पार्षद साहब भी यहां पर मौजूद है जो इस मीटिंग में मौजूद भी थे, एक हाउस की मीटिंग में पास भी हो गया था, लेकिन आज तक वो शहीदों को समर्पित एक स्मारक जो वो नहीं बन पाया, कारण क्या है? देखिए हमारे शहर में जहाँ जहाँ भी शहीदों की मूर्तियाँ हैं आप देखेंगे सभी चौकों का हमने सौंदर्यकरण किया है, चाहे वो राजगुरु मार्केट में राजगुरु की मूर्ति। और अब मैं आपको एक बता दूं कि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर अब वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तीनों की मूर्ति एसोसिएशन लगाने जा रही है, हमारे से उन्होंने परमिशन मांगी है, तो उसमें नगर निगम पूरा सहयोग करेगा। 23 मार्च से पहले हम ये कार्य पूर्ण कर लें और सभी शहीदों का सम्मान तो हम सबको करना चाहिए और शहीदों के जो लाइब्रेरी में किताबें भी हम रखवाने का कार्य कर रहे हैं। और आगे जो शहीद स्मारक का हमने प्रस्ताव जो है, मुझे तो याद नहीं आता हमने कोई प्रस्ताव ऐसा पास किया है। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दो ना, लेकिन शहीद स्मारक की बात आई है तो ये जरूर जरूर पहले तो शहर में बना हुआ है और एक चलो इस पर मैं संज्ञान लेकर यदि हमारे हाउस में पास, संदीप जी यदि ऐसा हुआ है तो जरूर बनेगा। देखिए उसके लिए मैंने खुद जांच जो लिखी कि भी मुर्दा पशु के जो हमने ठेका दिया हुआ है उस पर जो है आगे वर्क ऑर्डर में जो जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से लागू हुए, इसकी जो है हमने कमिश्नर साहब से मैंने दिया है कि इसकी जांच कर और जो भी दोषी है, यदि दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई करें।